हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यायाधीश। आज हम इस वीडियो में देखेंगे द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर 2 के हम तीन सेक्शंस देखेंगे, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो चालू करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है प्रिपरेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, ये सेक्शन बात करता है कि जब कभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना चाहता है पब्लिक पर्पस के लिए, तभी उनको पंचायत या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कंसल्ट करना पड़ेगा। पर अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विलेज लेवल पे अगर लैंड एक्वायर करना आता है तो उनको पंचायत को कंसल्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर सिटी का कोई भी लैंड एक्वायर करना चाहता है तो उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कंसल्ट करना पड़ेगा। सिटी जैसे कि बम्बई सिटी में कैसे वार्ड्स होते हैं, आर वार्ड, एस वार्ड, टी वार्ड, वैसे जो भी लैंड एक्वायर करना चाहता है सिटी का, तभी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कंसल्ट करेगा। उसके अलावा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जब भी कंडक्ट होगा उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ओके, और उस नोटिफिकेशन में डेट स्पेसिफाई किया होगा। और सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बात करता है, ये जो नोटिफिकेशन होगा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी का, वो लोकल लैंग्वेज में होना, ओके, वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, और उसकी कॉपी पंचायत या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सबमिट होगी, और एक कॉपी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस या फिर सब डिविजनल के मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भी सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा ये सेक्शन ये भी बात करता है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो भी कंडक्ट करता है, एक्चुअली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी एक टीम बनाता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम करके, वो जो टीम होती है ना तो वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कंडक्ट करती है। तो उस टीम में पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे डिपेंडिंग कौन से लैंड एक्वायर करना चाहता है। अगर विलेज लेवल की अगर लैंड एक्वायर करना चाहता है तो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे, और अगर सिटी का लैंड को एक्वायर करना चाहता है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, ओके। इसमें और एक बात है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जब भी कंडक्ट होती है, कभी कमेंस होती है, उसके 6 महीने के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए और उसका रिपोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट करना चाहिए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 बात करता है कि ये सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी का रिपोर्ट पब्लिक को भी अवेलेबल होना चाहिए। इसका इन डिटेल हम देखेंगे सेक्शन 6 में, ओके। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 बात करता है कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी वो जो कंडक्ट हो गए तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो गए वो देखेंगे। तो उसमें पॉइंट ए बात करता है कि जो भी लैंड एक्वायर करेंगे, ओके, जो भी गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेंगे उस पर जो प्रोजेक्ट कमेंस होगा तो वाकई वो पब्लिक पर्पस सर्व करेगा कि नहीं, उसका असेसमेंट करेंगे। बी पॉइंट बात करता है कि वो जो लैंड एक्वायर होगा तो वहाँ के कितने फैमिलीज इफेक्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज इफेक्ट होंगे, वो उसका एस्टिमेशन निकालेंगे। देन उसके अलावा और कौन से और कॉमन प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होने वाले हैं जो भी लैंड एक्वायर करने से, और कौन से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होने वाले, उसका भी एस्टिमेशन होगा। डी पॉइंट बात करता है कि जब भी लैंड एक्वायर होगा फॉर द प्रोजेक्ट पर्पज़ के लिए, ये देखा जाएगा कि कम से कम लैंड, यू नो, बेयर मिनिमम, मतलब कम से कम लैंड वो एक्वायर करे, ओके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टडी होगा। पॉइंट ई बात करता है कि जब भी लैंड एक्वायर करेंगे, ओके, तो उसके एक्वायर करने से पहले उन लोग और दूसरे लैंड्स को भी उन लोगों ने कंसीडर करना चाहिए, यू नो, ऑल्टरनेट लैंड्स को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर कोई और दूसरे लैंड्स अगर फिजिबल नहीं लगता है या सुटेबल नहीं लगता है तो जो भी लैंड फाइनल करते हैं तो वो एक्वायर हो जाता है, पर उसके पहले फाइनल करने से पहले और दूसरे लैंड्स को भी उनको कंसीडर करना पड़ता है। पॉइंट एफ बात करता है जो भी लैंड एक्वायर होगा और उस पर जो भी प्रोजेक्ट, यू नो, कैरी आउट होगा, उस लैंड पे जो भी प्रोजेक्ट कैरी आउट होगा तो उस प्रोजेक्ट का सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, यू नो, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, उसको एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होगा, और उस इम्पैक्ट को फिक्स करने के लिए, उस इम्पैक्ट को फिक्स करने के लिए कितना खर्चा, यू नो, कितना एक्सपेंस लगेगा, ओके, वो भी देखना चाहिए, वो भी उन लोग ने स्टडी करना चाहिए। तो वो जो फिक्स करने का जो भी एक्सपेंस होता है प्लस प्रोजेक्ट का जो एक्सपेंस होता है वो कंपेयर करना चाहिए, प्रोजेक्ट को जो प्रॉफिट होगा उसके साथ उन लोग ने कंपेयर करना चाहिए, ओके। इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कंडक्ट होगा
तो ये स्टडी साइमल्टेनियसली कंडक्ट हो सकता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के साथ। ओके, जरूरी नहीं कि पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी खत्म होने के बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी चालू करें, वो साइमल्टेनियसली भी वो कैरी आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 क्या बात करता है। ये सेक्शन बात करता है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो भी गवर्नमेंट कंडक्ट करती है उन्हें और बहुत सारे कंपोनेंट्स भी उनको कंसिडर करना पड़ता है। और ये स्टडी इसलिए कंडक्ट होता है कि नो डाउट उन लोग ने ये देखा है कि कौन कौन से फैमिलीज इफेक्ट होते हैं, पर और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी लैंड एक्वायर करते हैं ना, तभी और बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी देखना पड़ता है कि उस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा इस और कंपोनेंट्स पे। जैसे कंपोनेंट्स मतलब यहाँ मैंने लिस्ट आउट किया है, जैसे कि कोई अफेक्टेड फैमिलीज हो सकते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर हो लैंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है। देन पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स एंड एजुकेशन, आंगनवाड़ी, चिल्ड्रंस पार्क, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये सब कंपोनेंट्स का भी उनको कंसिडर करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट का जो कैरी आउट करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस कॉम्पोनेंट पे। सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 बात करता है कि गवर्नमेंट ने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी तो प्रिपेयर तो करना ही है, उसके साथ उन लोग ने सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान भी उन लोग ने कैरी आउट करना चाहिए और ये प्रिपेयर करना चाहिए। और ये प्रिपेयर करेंगे और प्लस एमिलियोरिटीज मेजर्स। ओके, एमिलियोरिटीज मेजर्स मतलब वो जो हम लोग ने देखा है सेक्शन सब सेक्शन 5 में, सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 में, ये जो कंपोनेंट्स है उस पर हम लोगों ने देखा है कि प्रोजेक्ट कैरी आउट पे उस पर क्या क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेजर्स देखने पड़ेंगे, क्या उसको अच्छा करने के लिए कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ले सकता है, वो भी स्टडी में और वो भी प्लान में इंक्लूड होगा। सेक्शन फाइव है पब्लिक हियरिंग फॉर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सेक्शन बात करता है कि फाइनल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करने से पहले पब्लिक हियरिंग होल्ड करनी चाहिए, और ये पब्लिक हियरिंग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही होल्ड करेगी। ओके, और ये सेक्शन ये भी बात करता है पब्लिक हियरिंग जब भी होल्ड करेगी उसके पहले नोटिस देना चाहिए। एक नोटिस तो अफेक्टेड फैमिलीज को भी देना चाहिए क्योंकि वो लोग वहां पब्लिक हियरिंग में आएंगे, और उस नोटिस में पब्लिक हियरिंग के डेट, टाइम और एवेन्यू सब लिखा होगा। ये जो फाइनल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होता है इसमें पब्लिक हियरिंग में जो भी सजेशंस होंगे, अफेक्टेड फैमिलीज जो भी सजेशंस देंगे या ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो सब इंफॉर्मेशन फाइनल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था सेक्शन 5। अब ये सेक्शन 5 रिलेटेड हम ये एक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके रिलेटेड रूल्स जो है वो राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंसेंट रूल्स 2014 में है। ये है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बात करता है प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग पब्लिक हियरिंग। ये एक्चुअली रूल पब्लिक हियरिंग क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए ये इस बारे में है। तो रूल नंबर 8 का पॉइंट फर्स्ट बात करता है कि फाइनल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में जो भी सजेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशंस गैदर किया रहता है ड्यूरिंग पब्लिक हियरिंग में, वो सब उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बात करता है जो भी लैंड एक्वायर होता है, जिस विलेज का लैंड एक्वायर होता है, तो पब्लिक हियरिंग उस विलेज के ग्राम सभा में कंडक्ट की जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट बात करता है कि पब्लिक हियरिंग जब भी होगी उसके 3 हफ्ते पहले पब्लिक नोटिफिकेशन होना देना चाहिए, पब्लिक नोटिफिकेशन पब्लिश होना चाहिए। वो आइदर पोस्टर फॉर्म में हो सकता है, पोस्टर सर्कुलेट करना चाहिए विलेज में। ओके, जो भी लैंड एक्वायर कर रहे हैं विलेज में उसके आजू बाजू 5 किलोमीटर्स, ओके, उसके रेडियस के 5 किलोमीटर्स आजू बाजू वहाँ पोस्टर सर्कुलेट करना चाहिए वहाँ अफेक्टेड फैमिलीज में। और पब्लिक नोटिफिकेशन एक लोकल न्यूज़पेपर एज ए एडवर्टाइजमेंट में भी देना चाहिए।
और फिर एक रेडियो में पब्लिक नोटिफिकेशन देना चाहिए और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन ग्राम पंचायत या फिर म्युनिसिपल वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहिए। और उसके अलावा ये पब्लिक हियरिंग का नोटिफिकेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी अपलोड होना चाहिए। पॉइंट नंबर फोर बात करता है जो भी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का ड्राफ्ट और सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान का ड्राफ्ट होता है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। ओके, और ये जो ड्राफ्ट है पब्लिक हियरिंग के 3 हफ्ते पहले, ओके, 3 हफ्ते पहले एक कॉपी ग्राम पंचायत को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को और रिक्वायरिंग बॉडी को सबमिट करनी चाहिए। मतलब ये जो ड्राफ्ट होता है और रिपोर्ट का ड्राफ्ट एज वेल एज प्लान का ड्राफ्ट 3 हफ्ते पब्लिक हियरिंग के पहले, ओके, इन ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और रिक्वायरिंग बॉडी को सबमिट करना चाहिए। उसके अलावा पब्लिक हियरिंग के दिन, ओके, पब्लिक हियरिंग के दिन जो भी अफेक्टेड फैमिलीज वहां आते हैं वहां उनको एक एक कॉपीज दी जाएगी और उसके साथ वहां सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट वहां डिस्प्ले भी किया जाएगा। ओके, तो ये थे पॉइंट नंबर फोर। अभी देखते हैं पॉइंट नंबर फाइव बात करता है कि पब्लिक हियरिंग कौन ऑर्गेनाइज करेगा। पब्लिक हियरिंग कौन ऑर्गेनाइज करेगा, ये ऑर्गेनाइज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो टीम है और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो मिलके ये पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, और इस पब्लिक हियरिंग में ग्राम पंचायत या फिर म्युनिसिपल वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे, उनके अलावा एक ट्रांसलेटर को भी बुलाएंगे क्योंकि ये प्रोसीडिंग जो होती है ना वो लोकल लैंग्वेज में होती है और जिस किसी को वो लोकल लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो ट्रांसलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी कि वो ट्रांसलेट करके बता सकता है। इसके अलावा रिक्वायरिंग बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के फंक्शनरीज के लोग वहाँ अटेंड करेंगे, लोकल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और मीडिया को भी वहाँ इनवाइट किया जाएगा, पब्लिक हियरिंग में उनको इनवाइट किया जाएगा। ये जो प्रोसीडिंग्स होती है, 9 पॉइंट में बताया गया है कि ये जो पब्लिक हियरिंग की जो प्रोसीडिंग्स है वो वीडियो रिकॉर्डिंग और प्लस ट्रांसक्रिप्ट भी होगी और ये जो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन जो भी है वो फाइनल, जब भी फाइनल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनेगा और सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान जब बनेगा उसके साथ ये रिकॉर्डिंग प्लस ट्रांसक्रिप्शन को भी सबमिट करना होगा। पॉइंट नंबर 10 बात करता है जब भी पब्लिक हियरिंग फाइनल स्टेज पे होती है कंक्लूजन के वक्त, मतलब एंड जब होता है तभी ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम होती है वो सबके वहाँ जो भी अफेक्टेड फैमिलीज है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके फीडबैक्स लेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और वो सब एनालाइज करने के बाद फाइनल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में लिखेंगे। Okay. और पॉइंट नंबर 11 ये बात करता है कि हम लोग ने देखा भी पॉइंट नंबर 10 में फीडबैक्स इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे पर पॉइंट नंबर 11 बात करता है स्पेशली जो भी ऑब्जेक्शंस भी जो रेज करेंगे ना ये पब्लिक हियरिंग में। ओके, ऑब्जेक्शंस शायद कोई अफेक्टेड फैमिलीज भी रेज कर सकता है, कोई भी कम्युनिटीज रेज सकता है, तो वो भी ऑब्जेक्शन वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिपोर्ट में। Okay, ये इसको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सिक्स बात करता है पब्लिकेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज। सेक्शन सिक्स सब सेक्शन वन बात करता है कि जो पब्लिक हियरिंग के बाद जो फाइनल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट होती है, फाइनल जो सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। वो कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, वहाँ के विलेज के लोकल लैंग्वेज, विलेज या सिटी के जो भी लैंग्वेज होता है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए और वो कॉपी, ओके, पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सबमिट करना चाहिए। पंचायत मतलब अगर लैंड विलेज का एक्वायर कर रहा है तो पंचायत आएगा और अगर लैंड सिटी का एक्वायर कर रहा है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आएगा। तो जिस कोई भी लैंड अगर डिपेंडिंग विलेज का एक्वायर कर रहा है या सिटी का एक्वायर कर रहा है उस हिसाब से वो कॉपी सबमिट की जाएगी। उसके अलावा ये कॉपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को भी
सबमिट की होगी। ये जो कॉपी है, ये जो रिपोर्ट है और ये जो प्लान की जो कॉपीज है, वह अफेक्टेड एरिया में भी पब्लिश करनी चाहिए। पब्लिश करना मतलब ये जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट और फाइनल प्लान है वो अफेक्टेड एरिया में सर्कुलेट करना चाहिए। मतलब सर्कुलेट कैसे करेंगे, इन अ पोस्टर के फॉर्म में, ओके? और पोस्टर के फॉर्म में वो जो अफेक्टेड एरिया में जो भी फैमिलीज रहती है वहां उनको कॉपीज दे देंगे। और प्लस वहां के एक, वहां जो पोस्टर है वो कॉन्स्पिशियस प्लेस में भी अफिक्स करेंगे। कॉन्स्पिशियस प्लेस मतलब ऐसा प्लेस जहां आते जाते लोग वो रिपोर्ट, वो प्लान देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस प्लेस। वहां ऐसे जगह पे एक पोस्टर वहां अफिक्स किया जाएगा। और उसके अलावा ये जो फाइनल रिपोर्ट और प्लान है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी अपलोड होगा। तो ये थे सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 बात करता है कि जो भी इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैरी आउट करता है, ओके? तभी उस एजेंसी को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी अवेलेबल करवाना चाहिए, ओके? और ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथराइज एजेंसी होनी चाहिए, ओके? ऑथराइज एजेंसी। पर इसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट रिलेटेड है, ओके? अगर इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट है तभी सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होंगे, ओके? तो ये था सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन 2। अब देखेंगे इसके रिलेटेड रूल्स। इसके रिलेटेड रूल है रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10। पहले रूल नंबर 9 देखेंगे। रूल नंबर 9 बात करता है सबमिशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एंड सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान। ये रूल नंबर 9 और रूल नंबर और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 देखोगे ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, ओके? मैं दिखाती हूँ, देखो ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बात करता है कि ये पब्लिश इन अफेक्टेड एरिया होना चाहिए, ओके? पर इसका एलोबरेशन हम रूल नंबर 9 में देखेंगे, जो मैंने यहां भी इंक्लूड किया है। ये है रूल नंबर 9, ओके? इतना ही फर्क है सेक्शन 6 और रूल नंबर 9 के इसमें। तो इसका एलोबरेशन वही है, पब्लिश इन अफेक्टेड एरिया। मतलब पब्लिश करना मतलब ये जो रिपोर्ट है और प्लान है, फाइनल रिपोर्ट और फाइनल प्लान जो है वो अफेक्टेड एरिया के जो भी अफेक्टेड फैमिलीज है उनको एक एक कॉपी सर्कुलेट करनी चाहिए एज इन फॉर्म ऑफ पोस्टर। और एक पोस्टर कॉन्स्पिशियस प्लेस में भी अफिक्स होना चाहिए। कॉन्स्पिशियस प्लेस मतलब मैंने आपको बताया गया है, जैसे कि ऐसा प्लेस जहां आते जाते लोग वो रिपोर्ट और प्लान देख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो ये था रूल नंबर 9। अब देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 बात करता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एंड सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान। ये रूल बात करता है कि जब भी फाइनल, ओके, फाइनल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एंड फाइनल सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है वो एक रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और वो क्लियर, कंसाइज एंड एक्सेसिबल होना चाहिए। क्लियर, कंसाइज एंड एक्सेसिबल होना चाहिए मतलब क्या? ये जो रिपोर्ट और प्लान है वो नो डाउट रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और इस फाइनल रिपोर्ट और प्लान में सबके व्यूज इंक्लूड होने चाहिए। ये तो बात हमको मालूम है, सबके व्यूज, सजेशन, ऑब्जेक्शन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन और उसका जो भी एनालाइज किया है वो एनालिसिस, वो सब इंक्लूड होना चाहिए, वो हम लोगों ने देखा, ओके? वो क्लियर होना चाहिए। कंसाइज मतलब वो वेरी शॉर्ट, मतलब इन समरी फॉर्म में होना चाहिए, ओके? एंड एक्सेसिबल मतलब, एक्सेसिबल का मतलब कि जो भी अफेक्टेड फैमिलीज होती है, कम्युनिटीज होती है, वहां वो अगर रिपोर्ट अगर पढ़ना चाहे, अगर देखना चाहे तो उनको इजिली क्लियर अंडरस्टैंडिंग से वो रिपोर्ट और प्लान समझ में आना चाहिए, ओके? तो ये था रूल नंबर 10। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 के सेक्शन नंबर 4, 5 एंड 6।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।